हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसिपीज ट्राइड एंड ट्रू। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोहड़ी और मकर संक्रांति दोनों ही पास में हैं, तो चलिए बनाते हैं कैल्शियम रिच तिल के लड्डू। और ये जो लड्डू हैं, इसमें मैंने ना तो चीनी यूज़ की है ना ही जैगरी यूज़ की है। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी। और इसके लिए जो हमें चाहिए वो है फास्ट एंड अप का, मैंने यहाँ पे वे प्रोटीन लिया है, साथ ही में तिल, बादाम, मखाने, खजूर और खोआ। सबसे पहले हमें खजूर के बीज निकाल लेने हैं, तो यहाँ पे जो लड्डू की स्वीटनेस है वो खजूर से ही आएगी। इसी तरीके से सारे खजूर के बीज निकाल लेंगे। आप चाहें तो इनसे ड्राई फ्रूट डेट लड्डू भी बना सकते हैं, रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है। बीज निकाले हुए खजूर में पानी डालेंगे और बहुत ही अच्छे से एक फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे, जिसे हम आगे यूज़ करेंगे। एक कढ़ाई में घी लेंगे और मखाने को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें इन्हें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये अच्छे से क्रंची ना हो जाए और भुन ना जाए। चेक करेंगे इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, इट ब्रेक्स ईजिली, मीन्स ये क्रिस्पी हो चुके हैं। इसी तरीके से बादाम डालेंगे और बादाम को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे रोस्ट होने में करीब 4 से 5 मिनट तक लग जाते हैं। इसी तरीके से अब हम तिल लेंगे और तिल को भी रोस्ट करना है। तिल को जो है हमें ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट बी केयरफुल क्योंकि इसे चटकने के चांसेस रहते हैं। हमें तिल को ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। 3 to 4 मिनट्स बाद आप देखेंगे कि तिल का कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इन सब को हम बोल में निकाल लेंगे और आगे यूज़ करेंगे। अब मखाने को लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे कोर्सली। इसी तरीके से बादाम को भी दरदरा पीस लेंगे और तिल को भी दरदरा पीस लेंगे। हम जो ये तिल है, इससे हम तिलकुट भी बना सकते हैं, जो जनरली मकर संक्रांति पे बनता है। इसमें इसी तरीके से तिल को रोस्ट करके इसमें पिसी हुई चीनी और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब हम मावा लेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे, जिससे कि अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ मैंने मार्केट का मावा लिया है, आप चाहें तो घर पर भी दूध से मावा बना सकते हैं। रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप इसका कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें और आप भी बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बना सकें। अब हमें इसमें डालेंगे ग्राइंड किए हुए खजूर और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, इसे हमेशा चलाते रहना है, अगर आप छोड़ देंगे तो ये जल सकता है। अब हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किए हुए मखाने, बादाम और तिल और बहुत ही अच्छे से इन सबको भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो है मैंने फ्लेवर चेंज करने के लिए और इसे और भी अच्छा प्रोटीन कैल्शियम रिच बनाने के लिए फास्ट एंड अप का वे प्रोटीन यूज़ किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसको यूज़ करके कि आप 20% का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। हमें प्रोटीन को गैस बंद करके ही डालना है और मिक्स करना है। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो अपने पाम के बीच में घी अप्लाई करना है, एक पोर्शन लेना है मिक्सचर का और इसे अच्छे से लड्डू फॉर्म में रोल कर देना है। आप चाहें तो इसकी चिक्की भी बना सकते हैं या फिर जो हमारे प्रोटीन बार्स हो सकते हैं उसकी फॉर्म में भी इसे शेप दे सकते हैं। और रोस्ट किए हुए तिल के ऊपर इसे अच्छे से रोल करेंगे ताकि बहुत ही अच्छी सी कोटिंग आ जाए। इसी तरीके से सारे लड्डू को प्रिपेयर कर देंगे और एकदम बढ़िया तिल के लड्डू घर पर ही बनकर तैयार हैं। तो इसमें आपने देखा, ना मैंने चीनी यूज़ की है ना ही मैंने जागरी यूज़ की है। डेट्स यूज़ करके बहुत ही हेल्दी वे में कैल्शियम और प्रोटीन रिच लड्डू बनाकर मैंने तैयार कर दिए हैं। तो जल्दी से जाइए और इस लोहड़ी और मकर संक्रांति इन लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप रेसिपी की कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। टिल देन, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।